बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर विद्रोह की स्थिति है, इसलिए पहले उन्हें पार्टी के भीतर का गतिरोध को खत्म करना चाहिए। सीपी सिंह ने राज्य में अवैध खनन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन सिर्फ वर्तमान सरकार में ही नहीं हो रहा, सरकार अगर चाहे तो अवैध खनन पे रोक लगाई जा सकती है। इस दौरान उन्होंने एनडीए की जीत का दावा किया और कहा कि चुनाव में समीकरण की भूमिका अहम होती है। गंगा विलास क्रूज पे सवार 32 सैलानियों का जत्था साहिबगंज पहुंचा। उपायुक्त रामनिवास यादव, राजमहल विधायक अनंत ओझा ने अंगवस्त्र देकर सैलानियों को सम्मानित किया। ढोल मांदर की थाप पे आदिवासी रीतिवाज से सोहराय नृत्य कर आदिवासी महिलाओं ने विदेशी सैलानियों का स्वागत किया। इसके बाद सभी सैलानियों ने संविदा घाट स्थित आसपास के गांव में जाकर ग्रामीणों से मिले। उपायुक्त और राजमहल विधायक ने विदेशी मेहमानों को झारखंड की संस्कृति और सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। रांची के मोराबादी मैदान में 74वें गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर परेड का रिहर्सल किया गया, जिसका डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल ने निरीक्षण किया। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में सेना के जवान, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जैप और होमगार्ड समेत 15 बटालियन और 5 बैंड परेड में भाग ले रहे हैं। समारोह में शिक्षा, पेयजल, वन, सूचना और जनसंपर्क समेत कई विभागों की ओर से झांकी भी निकाली जाएगी। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। 15 जनवरी को उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए उसके पूर्व 3 साथियों की हत्या की है। एक फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। धनबाद के प्रतिष्ठित पीके रॉय कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्य में आजसू ने घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया है। आजसू छात्र संघ के अध्यक्ष विकी कुमार ने पीके रॉय कॉलेज में हो रहे पीजे बिल्डिंग निर्माण में अनियमितता बरतने की प्रिंसिपल से शिकायत की। छात्र संघ के अध्यक्ष ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। रांची नगर निगम में कर्मचारियों को हड़ताल से कामकाज पे व्यापक असर पड़ रहा है। दैनिक वेतन भोगी और अनुकंपा पे काम करने वाले कर्मचारियों के हड़ताल पे चले जाने से कामकाज पूरी तरीके से ठप है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समेत सभी जरूरी कामकाज बंद है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रांची गेट के थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सड़क निर्माण में लगे रोड रोलर को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद में बताया जा रहा है कि अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने गढ़गांव पुल के पास देर रात वाहन को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पाकुड़ में बिजली विभाग की ओर से ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया। ऊर्जा मेला में राजमहल सांसद विजय हांसदा भी उपस्थित हुए। इस दौरान सांसद ने लोगों की समस्याएं सुनी और बिजली विभाग के अधिकारियों को समाधान का निर्देश दिया। आपको बता दें कि ऊर्जा मेला में विभाग की ओर से स्टॉल लगाकर बिजली उपभोक्ताओं को बिजली संबंधित समस्या का समाधान किया गया। जमशेदपुर में झारखंड अनुबंधित चिकित्सा कर्मी का धरना 5वें दिन भी जारी है। अनुबंध कर्मियों के हड़ताल पे जाने से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। हड़ताल में एनएम, जीएनएम, पैथोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन समेत अन्य कर्मचारी शामिल है। चिकित्सा कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा।